मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के छात्रों को आरएसएस के विचार पढ़ाए जाएंगे। वैल्यू बेस्ड मेडिकल एजुकेशन में संघ के विचार चुने गए हैं। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम विचारकों में शामिल हुआ है। अब इस पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्म हो चुकी है। चिकित्सा शिक्षा में 5 सदस्यीय कमेटी ने सुझाव के आधार पर जीवन दर्शन के महत्व वाले लेक्चर को फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाए जाने पर सहमति जताई है। इसलिए वैल्यू बेस्ड मेडिकल एजुकेशन में आरएसएस के विचारकों के विचार भी चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को पढ़ाए जाएंगे। ये मामला सामने आने के बाद एमपी की सियासत गर्म हो रही है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के सिलेबस में होने जा रहे परिवर्तन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। सुना है कि प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करने जा रही है। मिश्रा ने कहा कि आरएसएस हेड के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन अध्ययन भी चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे एमबीबीएस के छात्रों को करना होगा। मिश्रा ने कहा कि समस्या परे है कि एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में आरएसएस हेड व पंडित दीनदयाल का क्या योगदान है। मध्य प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। अब सुना है कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन सरकार करने जा रही है। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय जी का भी अध्ययन पाठ्यक्रम में इसी वर्ष से हमारे एमबीबीएस के छात्रों को करना पड़ेगा। समझ से परे है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय जी का योगदान क्या है। पहले ही व्यापम में आगामी 40 सालों तक चिकित्सा शिक्षा को बदनाम कर मध्य प्रदेश की सरकार ने कीर्तिमान बनाया है। कांग्रेस के अटैक के बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता लोकेन पाराशर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसियों का संकट यह है कि वह नकली गांधी परिवार के पिंजरे में बंद होकर अपने आप को सर्कस का पात्र ही बांधता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही विवश है और गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं। पाराशर ने कहा कि कांग्रेसियों को सोचना चाहिए कि महापुरुष देश के होते हैं, किसी पार्टी और संगठन के नहीं। गुरु तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो गुरु होता है, और जो भी प्रकाश की ओर समाज को ले जा रहे हैं उनका सम्मान सभी सरकारें करती ही हैं, करना ही चाहिए, और इस व्यवस्था को और आगे बढ़ना चाहिए और शिक्षक उन्नत और प्रगतिशील शिक्षकों को ढूंढना चाहिए जिससे उनका हौसला बढ़ता है, उनका प्रभाव बढ़ता है और समाज उनकी बात को मानता है। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी, वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।